ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खगिया मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। प्रश्न: अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर: बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं रूप में बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनना है। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी मायादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदायी बनाना। गीत है इंसाफ की डगर पर ओम शांति। ये गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो ये गीत उनकी खुशी में है। खुशियों तो मनाते रहते भल कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। दुनिया तो वही पुरानी है, तुम बच्चे जानते हो श्रीमत, पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह है श्रीमत, वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठते श्रेष्ठ श्रीमत पर, उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है श्री कृष्ण, यह है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं है, शिव श्री शिव बाबा की मत। श्री कृष्ण बाबा, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा उच्चते उच्च तीर्थ कोई है नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। वह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह पता नहीं कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफ़ेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है। परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। वास्तव में स्टार बाबा जोहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है, जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन मनी, स्टार नीलम आदि कहते हैं। वह मोस्ट वैल्यूबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया है। तो यह शिवलिंग लाल तो है, इनमें बीच में सफ़ेद स्टार, स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफ़ेद होता है ना, आत्मा को भी सफ़ेद ही साक्षात्कार होता है। चीज तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे यह लिखत तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है। तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीज़ों की वैल्यू होती नहीं है। वहाँ यह जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। ये दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है। हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है और हर आत्मा के पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इम्पेरिसिबल पार्ट है। ये बातें भी तुम भी जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसे आत्मा है गाते भी ये चमकता है, भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बातें जब सुनेंगे तो बहुत ऑफरिन देंगे
कि बरोबर इनों को पढ़ाने वाला यहोवा परमात्मा है। तुमको तो सबको पढ़ाना है, बल क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरफेयर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उनके पास इंटरफेयर माने अनुवाद करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो देना है, जैसे बाप दुख करता सुख करता है वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदाई बनाना है, ये तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी देना पड़े, यह है महादान। यह एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है। शास्त्रों के वर्षन अगर लाखों रुपये के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है, वह भी परमात्मा है, रूप भी है, बसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करे, तो जरूर शरीर चाहिए। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है, मुख द्वारा फिर यह दान देना चाहिए, जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता उस पर भी एक कहानी है, तो यह धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम, भोलानाथ भर दे झोली, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, फिर वहाँ तो तुम्हारे मैल हीरे जवारों के बन जाएंगे। तो यह हर एक को समझाना है, जहाँ बाप रहते हैं वह है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, तो वह सभी का होम हुआ ना, वह बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने के लिए, अतः धन दे रहे हैं। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे। बाप कहते यह सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ फलाना हूँ, यह सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो, तो जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंत मति सो गति, ग्रंथ में भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सुकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो, तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है, उनका कोई आदि अंत नहीं। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। यह बातें जिनकी समझी हुई है उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। बाप को न जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए हैं। अभी समझो पोप कहते हैं कि लड़ाई न करो तो वह भी न मानेंगे। थोड़ी क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते। या कोई भी बात मानने वाले नहीं है, बाप ही आकर मत देते हैं। सबको समझाना है, धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे हैं। क्रिश्चियन को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वे भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। यह प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्वसेपुल बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनको तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने कृष्ण को भी वर्षा दिया, वर्षे को ही दान भी कहा जाता है। कन्या दान करते हैं ना, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भल खर्चा हो खर्चा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं, जरूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए, क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजा भी ले फिर रिटर्न भी कर रहे हैं, उनको तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे ख़त्म हो जाए, उनके पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खलाश हो जाए। इसलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इनों को तो मदद चाहिए ना जरूर, और रिटर्न भी चाहिए, उनको तो संभल करनी ही है। बाबा जानते भारत गरीब है,
तो वहाँ से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहाँ सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र है, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है, विनाश तो होना ही है जरूर। यह ड्रामा में नूंद है, शंकर की कोई बात नहीं है। यह तो निमित्त करके नाम रखा हुआ है। नेचुरल कैलमिटीज भी होनी है। ये बातें सुनने से वह बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब आर्फन माने कंगाल है। सारी दुनिया छोरे और छोरियां है, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो बच्चों को सर्विस का भी नशा चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो। बाप आए हैं, आए हुए सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है। बरोबर, अब नाटक पूरा हुआ। अब बाबा आए हैं ले जाने के लिए, फिर हम सुखधाम में आएंगे। आधा कल्प पुजारी बन बाप को याद किया। अब फिर पूज्य बनना है तो खुशियों में खग्गियाँ मारनी चाहिए। खुशी न होने से फिर रोते रहते हैं। जो रोते हैं सुख होते हैं। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने हैं। बाप की श्रीमत श्रेष्ठ बनेंगे। ये बाप भी कहते हैं कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयों सामने आती है। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है। तो बाप समझाते कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कदम कदम पर राय लेनी है। चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियाँ तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है। यह भी ड्रामा में नूंद है। खर्चा आप ही आएगा, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको तीन प्रेत पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अच्छा समझाते तो बहुत है, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। प्रदर्शनी में भर आते हैं बहुत है, परंतु एक को भी यह नीचे नहीं बैठता कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखलाने वाला बाप है। पहले यह नीचे बिठाना है। तुम समझा सकते हो, यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। रचयिता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। बाप से वर्षा मिलता है। बाप का जब तक बच्चा न बने तो वर्षा मिल न सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नहीं दुनिया की। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं है। ऊंची चढ़ाई है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। वरदान, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निच्चे बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निच्चे बुद्धि है वे सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई। जैसे थी ही नहीं, न तन की चिंता, न मन की कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। क्या होगा, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए हैं, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन है, ऐसे अचल अडल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या रूपी पाव को हिला न सके। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या रूपी पाव को हिला न सके। चा ओम शांति।